वेल, बिग बॉस के घर में नया टास्क आया और इस टास्क में जो है मनारा चोपड़ा परफॉर्म करती हुई नजर आई, लेकिन इसी टास्क के दौरान मनारा हो चुकी है घायल, बुरी तरह से चोट लगी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं डिटेल में। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूस। वेल, जैसा कि हम बिग बॉस के घर में लाइव फीड में हम देख रहे हैं कि नया टास्क शुरू हो चुका है, सभी कंटेस्टेंट्स हैं जो टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में इस बार इस टास्क में मनारा चोपड़ा भी परफॉर्म कर रही है, इंडिविजुअल गेम परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में पहले कई सारे टास्क हुए हैं जिसमें मनारा नहीं परफॉर्म कर रही थी, अंकिता ने ये बातें भी कही थी, लेकिन इस बार मनारा डट कर सामना कर रही है। और हम सभी को पता है कि यहाँ पर गिद्ध वाला टास्क हुआ जहां सभी के गले में मांस है, सभी इंडिविजुअल ये टास्क कर रहे हैं तो मनारा भी कर रही है। तो यहाँ पर एक सर्कल बॉक्स होता है, उस बॉक्स में सबसे पहले जाकर खड़ा होना होता है। तो ऐसे में मुनव्वर, नील और अभिषेक ये सभी जाकर, मनारा भी जाती हैं, सब लोग जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तो मनारा जो है दीवार पर जाके गिर जाती है, जिसके बाद उसके हाथों में काफी गहरी चोट आती है और हाथ उसका सही से मूव भी नहीं कर रहा होता है, काफी ज्यादा पेनफुल होता है। हालांकि सभी घर वाले उसकी मदद भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर मनारा हार नहीं मानती है और सेकेंड राउंड के लिए भी रेडी होती है। अब ऐसे में मनारा जो है भाई डट कर गेम खेल रही, खुलकर सामने आ रही है और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मनारा चोपड़ा अच्छे से गेम परफॉर्म कर पाए, लेकिन भाई बंदी में एक गट्स तो है कि चोट लगने के बाद भी वो टास्क को परफॉर्म कर रही है। फिलहाल क्या कहना है मनारा चोपड़ा को लेकर आपको, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।